तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अप्रैल 2023 की सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियाँ कौन सी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15th ली सेलिंग कार ऑफ अप्रैल है सिट्रन की प्रीमियम हैचपैक या फिर क्रॉसओवर आप कह लो C3। इस गाड़ी की सिर्फ 741 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.16 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 8.92 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर एक ऐसी गाड़ी आई है जो कि यार इस लिस्ट में होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, MG की कॉम्पैक्ट SUV एस्टर। इस गाड़ी की सिर्फ 704 यूनिट्स बिकी है। इस गाड़ी की मेन ड्राइवल क्रेटा की लगभग 14,000 यूनिट्स बिकी है अप्रैल के महीने में। कुछ लोगों को ये SUV कम और हैचपैक जैसी दिखती है, शायद इसलिए इस गाड़ी की सेल्स कम हुई हो। इस गाड़ी में भी सिर्फ पेट्रोल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.52 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 18.69 लाख रुपीज़ ही मिल जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर ह्यूंडई की प्रीमियम SUV टूसॉन, इसकी सिर्फ 550 यूनिट्स बिक पाई है। पिछले साल इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी, जिसके बाद इस गाड़ी की सेल्स बढ़ी है। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने से पहले तक इस गाड़ी की सिर्फ 100-150 यूनिट्स ही बिक पाती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 28.63 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 35.46 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर MG की इलेक्ट्रिक SUV ZS EV, इस गाड़ी की सिर्फ 463 यूनिट्स ही बिक पाई है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 23.38 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 27.4 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर जीप की 7-सीटर प्रीमियम SUV मेरिडियन, इस गाड़ी की सिर्फ 292 यूनिट्स बिक पाई है। जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है तब से ये गाड़ी ली सेलिंग कार्स की लिस्ट में आ रही है। इस गाड़ी में सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 32.95 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 38.52 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर MG की ग्लॉस्टर, इस गाड़ी की सिर्फ 281 यूनिट से बिक पाई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 38.08 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 42.38 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर टोयोटा का पिकअप ट्रक हाइलक्स, इस गाड़ी की सिर्फ 269 यूनिट्स बिकी है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 30.4 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 37.9 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इनिशियली जब हाइलक्स को लॉन्च किया गया था तो ये टॉप 5 रीसेलिंग कार्स की लिस्ट में होती ही होती थी, लेकिन हाल फिलहाल इस गाड़ी की सेल्स थोड़ी इंप्रूव हुई है। इस महीने ये 9th रीसेलिंग कार है। इसके बाद 8th पोजीशन पर जीप की कॉम्पैक्ट प्रीमियम SUV कंपस, इस गाड़ी की सिर्फ 266 यूनिट्स ही बिक पाई है। इस गाड़ी में हाल फिलहाल सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी में 4x4 का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 21.44 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 31.64 लाख रुपीज़ ही मिल जाती है। एक समय पर कंपस की 2,000-2,500 यूनिट्स बिकती थी, लेकिन हाल फिलहाल इस गाड़ी की सेल्स 10 गुना कम हुई है। इसके बाद 7th पोजीशन पर सिट्रन की EC3, इस गाड़ी की सिर्फ 252 यूनिट्स बिक पाई है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.5 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 12.76 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर फिर से एक इलेक्ट्रिक कार आई है, ह्यूंडई की आयोनिक 5, इस गाड़ी की सिर्फ 189 यूनिट से बिक पाई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 45.95 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर किया की कार्निवाल, इस गाड़ी की सिर्फ 152 यूनिट से बिक पाई है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 30.97 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 35.48 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 4th पोजीशन पर स्कोडा की कोडियाक, इस गाड़ी की सिर्फ 140 यूनिट से बिक पाई है। इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 37.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 41.39 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर स्कोडा कोडियाक की कज़न फॉक्स वैगन टिगुआन, इस गाड़ी की सिर्फ 41 यूनिट से बिक पाई है। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 34.20 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर सिट्रन की प्रीमियम SUV C5 एयरक्रॉस, इस गाड़ी की सिर्फ 10 यूनिट से बिक पाई है। एक्सीडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 37.17 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। तो चलिए अब देखते हैं अप्रैल 2023 की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी कौन सी है। तो ये है महिंद्रा की MPV मराजो, इस गाड़ी की एक सिंगल यूनिट भी अप्रैल में नहीं बिक पाई है। इस गाड़ी में सिर्फ डीजल इंजन मिल पाता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 13.71 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 16.03 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। एक्सशोरूम, अगर आप जानना चाहते हैं अप्रैल 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ कौन सी है, तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें या फिर
सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUVs कौन सी है, तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच।